तो इस वीडियो की सस्पेंस सीरीज आपको अपनी कंटेंट से फैन न बना दे तो कहना। एक एक सीरीज अमेजिंग है, कहानी ऐसी कि खो जाओगे। असुर, अरण्यक, दहाक जैसी मर्डर मिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो ये रही आपके टॉप 5 बेस्ट सस्पेंस वेब सीरीज इन हिंदी, जिसे आप OTT पे देख सकते हो। एंड हॉलीवुड फैंस के लिए मैंने एक अमेजिंग चैनल स्टार्ट की है मूवीज बीट, एंड इस पे आपको वर्ल्ड की बेस्ट ऑफ दी बेस्ट मूवीज ही बताई जाएगी। बस एक बार चैनल चेकआउट करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी सारी विक्टिम्स ने मर्डर से पहले बस ली थी। तो स्टार्ट करते हैं एक अमेजिंग सीरीज से, जो अपने मर्डर मिस्ट्री स्टोरी के साथ टाइम ट्रेवल के फिक्शन में ऐसे उलझाएगी कि दिमाग घूम जाएगा। तो कहानी एक मर्डर मिस्ट्री है, जहां 2001 में एक बच्ची को किडनैप करने के बाद उसका खून कर दिया गया था। एंड अब 15 साल बाद 2016 में भी पुलिस उस खूनी को ढूंढे बगैर ही उसका केस बंद करने वाली है। तो इस बीच उस लड़की के बचपन के दोस्त, जो अब भी एक ऑफिसर बन चुका है, उसके हाथों एक ऐसी वॉकी टॉकी लगती है जिसके थ्रू वो उस ऑफिसर से 15 साल पहले बात कर पाता है जो इस मर्डर मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तो ऐसा कैसे हो सकता है, उस बच्ची का खून किसने किया, क्या हम खूनी को देख पाएंगे, ये सीरीज की कहानी है। एंड ट्रस्ट मी, अमेजिंग सीरीज है, फैन बन जाओगे। तो 8.2 की IMDb रेटिंग के साथ नंबर 5 पे है 11/11 सीरीज, जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स हैं। तो G5 पे इसे देख सकते हो, अमेजिंग सीरीज है। साइकोपैथ बाला पानी को फॉलो करते हुए एक किलिंग हुई। कहानी एक कॉपी कैट किलर की है, जिसने अब 17 साल बाद फिर से उसी पैटर्न में लोगों का खून करना स्टार्ट कर दिया है जो वो पहले किया करता था। तो क्या पुलिस इस खूनी को ढूंढ पाएगी, ये आपको इस बेहतरीन सीरीज के 9 एपिसोड्स में देखने को मिलेगा, जो एक एक एपिसोड में आपका इंटरेस्ट बनाए रखती है। सभी एपिसोड एक हुक के साथ खत्म होती है, जिस वजह से आपको नेक्स्ट एपिसोड देखने की चाह होती है। तो 7.4 की IMDb रेटिंग के साथ नंबर 4 पे है दुगंगा सीरीज, जो एक कोरियन सीरीज की अडैप्टेशन है एंड वाकई में जबरदस्त सीरीज है। कहानी एक मर्डर मिस्ट्री से स्टार्ट होती है, जिसे पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करती है, जिसे समझ आ जाता है कि ये खून का खेल यही नहीं थमने वाला। बट खूनी के रूप में उसके सामने एक ऐसी सच आने वाली थी जिसपे शायद उसे यकीन ना हो। तो नो डाउट की स्टोरी इंगेजिंग है, बट गुलशन देवैया की एक्टिंग आपका अटेंशन ज्यादा खींचती है। तो बेहतरीन सीरीज है, G5 पे देख सकते हो। तो हर साल साउथ सिनेमा एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री सीरीज देती है कि ऑडियंस पागल हो जाए। 22 में सुअर डिवर्क टेक्स, 23 में ढूंढता एंड अब 24 में ये मर्डर मिस्ट्री सीरीज, जो एक डेड बॉडी से स्टार्ट होती है, जहां पुलिस ये मानती है कि ये एक सुइसाइड है। बट जब उन्हीं में से एक ऑफिसर इस डेथ को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करती है, तब उसे मालूम होता है कि वो एक खून के खेल का हिस्सा बनने वाली है। तो क्या ये मौत एक आत्महत्या थी या किसी ने खून किया था, क्या आगे भी जाने जाएंगी एंड कैसे वृंदा इन मर्डर्स के पीछे की मिस्ट्री को सुलझाएगी, ये आप इसके 8 एपिसोड्स में देख सकते हो, जो सभी एक हुक के साथ खत्म होती है, ताकि आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए इंटरेस्टेड रहो। तो 7.3 की IMDb रेटिंग के साथ नंबर 3 पे है वृंदा सीरीज, जिसके स्टार कास्ट में है त्रिशा। तो शो स्टार्ट से ही वो सस्पेंस, वो क्यूरियोसिटी पैदा करने में सफल रहती है। जिस तरह से माइथोलॉजिकल सेंटीमेंट्स को इस क्राइम स्टोरी से कनेक्ट किया गया है, वो भी अच्छा है। बट ये सीरीज सभी ऑडियंस के लिए नहीं है, तो सोनी लिप पे हिंदी में देख सकते हैं। हार्ट अटैक, सुसाइड, एक्सीडेंट, दैट टू ऑन द सेम। इन्वेस्टिगेटिव क्राइम स्टोरी देखना पसंद है तो ये सीरीज आपकी फेवरेट होने वाली है, क्योंकि हर एक एपिसोड में आपको न्यू सस्पेंस हो या मर्डर मिस्ट्री स्टोरी देखने को मिलती है एंड उसे इन्वेस्टिगेट भी एक ऐसा बंदा करता है जो जस्ट अमेजिंग है। आप इसके इंट्यूशन, डिडक्शन, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड अटेंशन टू डिटेल्स के फैन हो जाओगे। वैसे सभी जानते हैं कि ये कैरेक्टर किससे इंस्पायर्ड है। तो 8.2 की IMDb रेटिंग के साथ नंबर 2 पे है शेखर होम, जो एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर सीरीज है एंड सस्पेंस, ट्विस्ट एंड टर्न की बात ही मत पूछो, कूट कूट के डाला गया है। तो थोड़ा स्टोरी का आइडिया दे देता हूं। तो ये सीरीज एक डिटेक्टिव शेखर होम के एडवेंचर्स को फॉलो करती है, जो क्राइम केसेस को इन्वेस्टिगेट करने एंड उन्हें सॉल्व करने में मास्टर है। तो किस तरह से ये कोलकाता में हो रही क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करता है, ये आपको इस सीरीज की 6 एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। तो अमेजिंग सीरीज है, इंगेज रखती है, तो जियो सिनेमा पे देख सकते हैं। एंड अब बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 1 मर्डर मिस्ट्री सीरीज की, जिसे IMDb पे भी उसके कंटेंट के अकॉर्डिंग वोट्स दिए गए हैं। एंड सच कहूं तो आपको शो के बारे में कुछ जानने की नीड भी नहीं है, डायरेक्ट जियो सिनेमा पे इसे देखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहानी में एक गे सेक्स वर्कर की टॉयलेट में ही खून कर दी जाती है, जिसके बाद एक पुलिस ऑफिसर के साथ एक जर्नलिस्ट कैसे इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करता है, क्या कहानी में सिर्फ एक ही खून होती है, आगे कितनी जाने जाएंगी, ये आप इसके 8 एपिसोड्स में देख सकते हो। तो 7.9 की IMDb रेटिंग के साथ नंबर 1 पे है मर्डर इन मुहिम सीरीज, एंड जो इसकी इंगेजिंग स्टोरी है, जैसा उन दोस्तों के कैरेक्टर राइटिंग है, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन सीन्स को डिजाइन किया गया है एंड जिस तरह से स्टार्ट से ही मर्डर की मिस्ट्री आपको एंड तक कहानी से बांधे रखती है, वो अमेजिंग है। कहीं पे भी शो ऐसा फील नहीं कराती कि कहानी फास्ट होनी चाहिए थी। तो वाकई में एक अच्छी सस्पेंस सीरीज देखना चाहते हैं तो इसे जियो सिनेमा पे मिस मत कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।